हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं नीतीश चंद्रा आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं एक बेहद ही और संवेदनशील छात्र हित के मुद्दे को लेकर के। और ये मुद्दा है, सरकार आपका ध्यान किधर है, समस्या इधर है। और समस्या क्या है, बीते कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि सरकार केंद्र की हो, राज्य की हो, सभी सरकारें चुनाव पर ज़्यादा ध्यान देती है। राज्यसभा का भी चुनाव है, इससे पहले विधानसभा का उपचुनाव था, इससे पहले विधानसभा का चुनाव था। तो सरकारें और सरकार के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, ये सभी का ध्यान अक्सर चुनावों की ओर ही फोकस होता है। जबकि देश की सबसे बड़ी आबादी युवा, जो शायद ही बिहार से ज़्यादा किसी अन्य प्रदेश में हो, इस युवा पीढ़ी का सदुपयोग, इस युवा पीढ़ी के एनर्जी का सदुपयोग करने की बजाय सरकार इसे डेमोरलाइज कर रही है। कैसे, हमने एक वीडियो कल भी बनाया था जिसमें हमने BSSC सचिवालय सहायक फॉर्म में एडिट का ऑप्शन मांगा था और सरकार से अपील किया था, निवेदन किया था, और कई और लोग भी इसके लिए डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर अब तक जू नहीं रही है। समस्या यह है कि 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है हिंदुस्तान की, यानी अधिकांश आबादी युवाओं की है। और इस युवा पीढ़ी के एनर्जी को यूज ना करके इसे यूं ही बर्बाद होने दिया जा रहा है, जवानी बर्बाद हो रही है। और सरकार के प्रभाव को आप देखेंगे तो वह राजनीतिक प्रभाव से बाहर हो नहीं पा रही है। चुनाव 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 और सिर्फ चुनाव पर ध्यान देकर के सरकार युवाओं के हौसलों को दबाने का काम कर रही है। हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से अपील करना चाहेंगे, BSSC का मुद्दा हो या BPSC का मुद्दा हो, आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और हम आपके इस जीरो टॉलरेंस की नीति में यकीन भी करते हैं, सारे युवा भी यकीन करते हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ बिहार में दिख नहीं रहा है। BPSC जैसी प्रतिष्ठित संस्थान की परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है और अब तक छोटे मोटे 2-4-5-10 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। कोई भी वैसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है जिसकी अहम भूमिका हो सकती है पेपर लीक में। बड़े बड़े चेहरों को बचाया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार को यह चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को यह चाहिए कि वह सामने आए और खुद एक्शन लेते हुए, बड़े से बड़े लोग हों या छोटे से छोटे लोग हों, विधायक हों, मंत्री हों या सचिव हों या अध्यक्ष हों, उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, या कोई IAS अधिकारी हो या कोई कोचिंग संचालक हो, उसे गिरफ्तार करके जल्द से जल्द लोगों के समक्ष, छात्रों के समक्ष, छात्रों को जो परेशानी हुई, मैंने भी परीक्षा दी थी और परीक्षा देने के दौरान हमारे साथ और भी कई सारे छात्र होते हैं जिनके पास की मुश्किल से वो 1000-2000 रुपए पैंचा लेकर के, बिहार में जिसको पैंचा कहते हैं, उधार लेकर के एग्जाम देने गया। इस भीड़ में, इस कड़कड़ाती गर्मी में, सड़ी हुई गर्मी में ट्रेनों में खड़ा होकर धक्के खाते हुए, लेकिन ये युवा धक्के ही खाते रह गए। और फिर एक बार BSSC का मुद्दा बना हुआ, यहाँ भी युवा धक्का ही खा रहा है। दिक्कत ये है कि आपके सर्वर में दिक्कत है, विद्यार्थी भर कुछ और रहे हैं, आपका सर्वर कुछ और ले रहा है, इस प्रकार फॉर्म में गलतियाँ हो रही हैं। और हमने कल भी कहा था कि आपके तरफ से अगर कोई गलती हो, किसी सरकार की सिस्टम से गलती हो, तो सरकार उसे तुरंत माफीनामा जारी करके या अपरिहार्य पूर्ण किसी भूलवश जैसे नोटिस जारी करके अपनी गलती को छुपा लेती है, सुधार लेती है। लेकिन छात्रों के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों, जब इतने बड़े संख्या में बिहार के छात्र हैं, वो अपनी एनर्जी को सरकार के साथ मिलकर के बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे समय में सरकार उनके साथ खड़ा ना होकर के उनके साथ भेदभावपूर्ण नीति क्यों अपनाती है। हमने कल भी कहा था और अभी भी बोलेंगे, आगे भी बोलेंगे, और आप सभी से जो वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी यही अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाइए और सरकार तक, अध्यक्ष तक, BSSC के अध्यक्ष जो हैं, BSSC के सचिव जो हैं, उनके कानों पर जुड़ेंगे। और BSSC के छात्रों के लिए, जिनका फॉर्म लाखों लाख की संख्या में, कई छात्रों का फॉर्म गलती हुआ है, वे अपने फॉर्म को सुधारें। इसके लिए BSSC को चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए, मंत्रीगण को चाहिए कि वे इसके लिए आवाज़ उठाएं। और इतना ही नहीं, विपक्ष के नेताओं को भी, वे भी अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते हैं, उन्हें भी चाहिए कि इस छात्र हित के मुद्दे को लेकर के आवाज़ उठाएँ, ठीक है। और छात्र हित को, बिहार को आगे बढ़ाने में, छात्रों के एनर्जी को बिहार को आगे बढ़ाने में उपयोग करें, ताकि आगे बढ़ता रहे बिहार और खुशहाल बिहार का निर्माण हो सके। हम भी यही स्वप्न देखते हैं, बिहार को बिहार के देश के 65 राज्यों से शीर्ष राज्यों के सूची में लाना चाहते हैं और हम अपनी जवानी को आपके साथ खपाना चाहते हैं। लेकिन आप हमारी जवानी को बस कॉम्पिटिशन की तैयारी, लाठी, गोली, डंडा,
फॉर्म भरना, पेपर कैंसिल इत्यादि चीजों तक सीमित रख दे रहे हैं। तो सरकार, हम आपसे फिर से निवेदन करेंगे कि बीएसएससी के छात्रों के लिए एडिट का ऑप्शन जरूर जारी करिए, और सभी छात्रों से भी कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, अध्यक्ष तक पहुँचे, बीएसएससी के सचिव तक पहुँचे, मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे, उप मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे, विपक्ष के नेताओं तक पहुँचे, और ये आवाज़ हमारी बुलंद हो सके, और छात्रों की, जिन भी छात्रों का फॉर्म गलत हुआ है, उनकी गलतियों में सुधार हो सके, उनके करियर के साथ खिलवाड़ न हो, उनको पर्याप्त मौके मिले आगे बढ़ने का, यह हम सरकार से अपील करना चाहते हैं। तो सभी छात्रों का यह दायित्व बनता है, जिनका फॉर्म सही भरा गया वो भी ठीक है, लेकिन आपके जिन भाइयों का, आपके जिन मित्रों का फॉर्म गलत भरा गया है, आपका हक बनता है, आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है कि आप उनके हक की आवाज़ ज़रूर उठाएं। तो बीएसएससी के फॉर्म को एडिट करने के लिए सरकार से अपील करें, सरकार तक अपनी बातों को किसी भी माध्यम से पहुंचाएं, हमारे वीडियो को शेयर करके सोशल मीडिया से, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, जैसे भी हो, सरकार तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए और छात्रों की जीत होनी चाहिए। और सरकार कभी राष्ट्रपति चुनाव, कभी उपराष्ट्रपति चुनाव, कभी राज्यसभा चुनाव, कभी विधानसभा का उपचुनाव, और कभी लोकसभा चुनाव उपचुनाव से बाहर आ सके। किससे गठबंधन रहेगा? भाजपा के साथ रहेंगे, जदयू के साथ रहेंगे, आरजेडी के साथ जाएंगे? इन सब चीज़ों से हटकर युवा किधर जाएंगे, इस पर भी थोड़ा विचार कर लें। हम सरकार से यही अपील करना चाहेंगे और युवाओं से यही कहेंगे कि सरकार तक इस बात को किसी भी माध्यम से पहुँचाएँ, और फिर हम लोग अलग अलग दिन में जैसे भी एक्टिविटी होगी, कुछ लोग आज मुझे कमेंट सेक्शन में कल के वीडियो में ट्विटर कैंपेन की बात कर रहे थे, तो जैसा भी होता है, ट्विटर कैंपेन अगर होता है तो ट्विटर कैंपेन भी हम लोग करेंगे, और अगर फिजिकल प्रोटेस्ट की बात आती है तो फिजिकल प्रोटेस्ट भी, अगर उसकी नौबत आती है तो वह भी करने को हम सभी तैयार हैं। आपसे फिर यही कहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, फैलाइए, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुँचे, और जल्द से जल्द छात्र हित में डेट समाप्त होने से पहले बीएसएससी एडिट का ऑप्शन आयोग द्वारा जारी किया जा सकेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।